टॉपिक फॉर द डे कम्स आउट बेट वर्ब्स आई जस्ट गिव यू डेमो ऑफ इट नॉट मच ऑफ द थ्योरी एप्लीकेबल टू इट आई टेल यू दूजेज आपको नॉर्मली कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पर बट आपको यूजेज नहीं मिलता है तो आई विल गिव यू ग्लिम्प ऑफ यूजेज ओवर है बेसिक थिंग अ बेसिक रिक्वेस्ट टू यू गाइज

So hopefully uh, you got this point of mine. By the way, topic comes out to be adverbs, and adverbs is something very basic. But still, people do not tame it as a real topic because it comes with an additional topic that is called adjectives. So I'm not gonna persuade both the topics out over here. I'm gonna show the glimpse of you, you know, how to deal with all these and how to start it out. Let's pay focus and before we move further, again, one thing more. now, when we talk about this banking course of ours, basically what is it? basically it is the online banking course, right? the online banking course, specially for the students. and it's going to start from 20th of may 2000.

डाउट सेशन एंड ऑफ कोर्स जो आपका डाउट सेशन के साथ जो इंटरक्शन होगा दैट वुड बी डिफरेंट गाइज द मूमेंट यू रिलाइज कि आपने कोई क्लास मिस कर दी है इन केस यू मिस अ क्लास वॉट कैन यू डू गाइज यू कैन जस्ट लॉग इन And watch that class repeat with live chat. So, this is all about the course, and uh, definitely you know about Gyanam, all those things can be compared. So, without wasting much of the time, I'm gonna start with my class focusing to the first one. The principal forbade us not to use the entire center hall, guys.

क श्योर sure कि यह मिस इंटरप्रेट ना हो और हम इसको अच्छे से डील करें राइट लेट्स पे फोकस आई शो यू समिंग ओवर है आई टेल यू द बेसिक रूल टू इट अ वेरी बेसिक रूल इट से इन कॉन्ट्स वी हैव कॉन्ट्स में क्या होता है सर वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ होता है ना क्या होता है आई जस्ट शो अ ग्लिम्स ऑफ इट सेवन माइनस माइनस थ्री सर इसका आंसर कुछ नहीं इसका आंसर आना चाहिए फोर नहीं सर फोर नहीं आना चाहिए ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो आंसर कम्स आउट टू बी टेन यानी कि इफ टू नेगेटिव आर देयर दैट विल मेक द सेंटेंस न्यूट्रल अदरवाइज नॉट इनफ बिल्कुल सर सही रूल है ये तो ये नॉर्मल है राइट फॉलो किया जाता है ओके okay, अच्छा देखो ध्यान से देखना वेन वी टॉक अबाउट द वर्ड फॉरबेड ही फॉरबेड अस राइट फॉरबेड की बात करी ठीक है सेम वे से मैं डिनाय की बात कर देता हूं डिनाय का मतलब क्या होता है मना करना फॉरबेड का मतलब भी क्या होता है मना करना अच्छा मना करना नेगेटिव के पॉजिटिव सर मना किया है तो नेगेटिव हुआ ना बेसिकली मना करने का मतलब क्या हुआ सर ये काम आपको नहीं करना ये मतलब हुआ उसका नहीं करना तो नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ डेफिनेटली नेगेटिव हुआ गाइज अगर ये चीज नेगेटिव है और आपको पता है कि वो ये काम आपको नहीं करना है सो इट इज डैम क्लियर फ्रॉम दिस फैक्ट कि एक्चुअली में ये डेफिनेटली हमारा नेगेटिव माना गया तो इफ समबडी टॉक्स अबाउट ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट अ थीफ डिनाइड दैट ही वॉज नॉट अब मना किया कि नहीं किया सर मना किया मुझे इतना बता दो मना किया ने सर मना किया तो नेगेटिव है अगर आपका यह शॉर्ट नेगेटिव है मना करना इज नेगेटिव तो इट इज डैम क्लियर कि फिर आपको यहां पर नॉट की जरूरत नहीं है समझ रहे हैं गाइज शुड बीट दैट ही वॉज अ थी सेम वे से वैन आई टॉक अबाउट दिस फर्स्ट सेंटेंस द प्रिंसिपल फॉरबेड अस फॉरबेड का मतलब मना करना अगर फॉरबेड का मतलब मना करना है तो साफ आंसर है नॉट टू यूज द एंटायर सेंटर हॉल इट शुड बी फॉरबेड अस टू यूज द एंटायर सेंट्रल हॉल सो आई होप द फर्स्ट आंसर इज क्लियर टू यू गैस मतलब दो नेगेटिव एक म्यान में नहीं रह सकते दैट इज वेरी सिंपल टूल राइट चल बिलीव मी आई कुड नॉट हार्डली बिलीव वी वन ऑफ देम हैड सेड वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस इट आई कुड नॉट अब मुझे इतना बताओ द वर्ड कुड नॉट इज नेगेटिव और पॉजिटिव सर नॉट तो नेगेटिव है इतना पता है ठीक है तो यहां से मैं लेकर चलता हूं इस सेंटेंस को आगे कि नॉट जो है वो आपका ऑलरेडी नेगेटिव है एवरीबडी नोज दिस ठीक है सर मान लिया अच्छा एक चीज और देखो जरा गाइस सर क्या वो एक और चीज ये कहती है द मोमेंट वी आर श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि ये काम आपको ऐसे करना है तो आपको देखना क्या है अब देखना ये है वेन वी टॉक अबाउट फोर वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वन इज हार्डली द अदर वन कम्स आउट टू बी स्कैसली नेक्स्ट इज रेयरली विद इट कम्स आउट टू बी बैरली द लास्ट वन कम्स आउट टू बी सेल्डम हार्डली रेयरली स्कैसली बैरली सेल्डम ये पांच के पांच वर्ड्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है सर नेगेटिव है इनका मतलब एक्चुअली में ना के बराबर Bear with my handwriting. हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी तंग है ना के बराबर राइट right. ये पांच वर्ड्स आपके नेगेटिव होगा इस जब भी ये पांच वर्ड्स देखे तो आपको पता सेंटेंस हैज टू बी नेगेटिव टर्म्स बिकॉज तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा सर फेयर एनफ ठीक है जी तो पहली बात थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊं आपको हाँ जी कहता द मोमेंट वी स्टार्ट अ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड हार्डली सिमिलरली हार्डली स्केशली रेयरली बेरली और सेल्डम किसी से भी स्टार्ट करते हैं. ठीक है हार्डली शी हैड कम वेन दिस रूल रूल क्या है है ये कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस हार्डली स्कैसली rarely, barely, seldom से स्टार्ट होगा तो जो आपके साथ फॉलो होने वाला कंजंक्शन होगा दैट हैज टू बी वॉट वेन ये तो डैम श्योर sure है फॉलो करने वाला कंजंक्शन हैज टू बी वेन अब एक और चीज ये मिला आपको सब्जेक्ट ये मिला आपको वर्ब राइट सब्जेक्ट मिला वर्ब मिला कहता है ये तो पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव कैसे होता है सब्जेक्ट वर्ब ये आपको थोड़ा सा बताता हूं गाइस ध्यान से देखना पीयूष सैड छोटा सा सेंटेंस प्यूश इज सैड क्वेश्चन इज प्यूश सैड क्वेश्चन मार्क ऊपर वाले में फुल स्टॉप आया था नीचे वाले में क्वेश्चन मार्क यानी इट सेज सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप वर्ब सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क डन ऐसा ही होता है हाँ जी सर ऐसा ही होता है बस यही से आप देख लो कि आपको पता हार्डली स्टार्ट कर रहा है व्हेन फॉलो करना ही करना है सब्जेक्ट वर्ब तो पॉजिटिव होता है इट हैज टू बी नेगेटिव और नेगेटिव होता है कौन सा क्वेश्चन मार्क वाला तो इट हैज टू बी हैड शी कम यानी करना क्या आपको आपको करना यह है मान लो आपने कोई भी सेंटेंस देखा जैसे वर्ड स्कैसली है स्कैसली दे आर डूइंग इट आपको पता फॉलो क्या है फॉलो तो पक्का वैन होना है राइट वेन दिस हैज स्टार्टेड ध्यान से देखना जरा स्कैसली से स्टार्ट हुआ स्कैसली नेगेटिव है कि पॉजिटिव है फटाफट बताओ सर स्कैसली होता है नेगेटिव अभी बताए थे आपने पांच वर्ड्स अच्छा वो एस वी फुल स्टॉप वी एस क्वेश्चन मार्क ये हमारा रूल है बिल्कुल सर अच्छा ये एस वी फुल स्टॉप क्या है पॉजिटिव ये इंटेरोगेटिव वाला नेगेटिव तो अगर ये नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव चाहिए उसके लिए तो इट हैज हैज टू बी आर आर को आगे कर दो दे डूइंग इट व्हेन दिस स्टार्टेड तो बेसिकली हार्डली रेयरली रेरली के साथ रिवर्स फॉर्मेशन चलेगा एड वो कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छा रही बात इस चीज की ये कुड नॉट है कुड नॉट तो नेगेटिव है हार्डली प्रूफ की ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये इकट्ठे इकट्ठे क्यों आएंगे तो आंसर शुड बी बिलीव मी आई देखो या तो नॉट हटा दो या हार्डली हटा दो पर सर एक प्रॉब्लम है आंसर समझ गए ना सभी या तो नॉट हटा दो या हार्डली हटा दो क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, कोई एक चलेगा इनमें से तो मान लो मैं नॉट हटाता हूं या कुछ लोग कहते मान लो हार्डली हटाते हैं एरर तो बी में ही निकल रहा है जो मर्जी हो जाए अब वन मोर थिंग फ्रॉम यू ये देखो क्वेश्चन क्या था बिलीव मी आई कुड

ये अगर नॉट काटता हूं तो आंसर बी बनता है हार्डली काटता हूं तो आंसर सी बनता है समझ रहे हैं ना अगर मैं नॉट को काटता हूं नॉट को तो आंसर बी में आ रहा है अगर मैं हार्डली काटता हूं तो आंसर सी में आ रहा अब क्या करूं अब गाइज आप क्या करेंगे दैट पर्सन द ऑथर द क्रिएटर ऑफ द सेंटेंस वॉन्टेड टू यूज द वर्ड हार्डली बट ही कुड नॉट यूज इट उसका तरीका गलत हो गया तो उसका हार्डली वर्ड नहीं ओमिट करना आपको आपको तो नॉट हटा देना जो एक्स्ट्रा ओमिशन है तो एरर अभी भी कहां आएगा बी में हार्डली तो वो बेचारा यूज करना चाहता था उसको यूज करना आया नहीं समझ रहे हैं आप वो यूज करना चाहता था उसको यूज करना नहीं आया तो मेक श्योर यूर ओमिटिंग नॉट फ्रॉम हेर यहां पर ऐसा कोई सीन है नहीं तो शुड बी आई कुड नॉट हार्डली बिलीव में एरर है इट शुड बी आई कुड हार्डली बिलीव आई कुड नॉट बिलीव वो आपके लिए द रियल इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स प्रैक्टिस ये तो मेरे दिल की बात बोल दी इसने इन फैक्ट लर्निंग्वेज रिक्वायर्स प्रैक्टिस सिमिलरली जैसे कॉन्ट्स करते हैं ना आप प्रैक्टिस इंग्लिश भी प्रैक्टिस मांगती है क्यों द रीजन वैंडली क्लियर की यार लैंग्वेज है कोई नई लैंग्वेज सीखेंगे प्रैक्टिस तो मांगेगी बाई सिखाता हूं आपको ये रियल वाला क्या सीन है Guys, एक बार ना आप एडवर्ब के बारे में थोड़ा सीख नॉर्मली एडवर्ब क्या होते हैं वो चीज़ है जो एक्चुअली में जो एक्चुअली में ऐड करती है क्या ऐड करती है सर क्वालिटी ऐड करती किस में ऐड करती है सर एक वर्ब में थोड़ा सा बताओ कैसे ठीक है सर क्या होता है इसमें जैसे ही टॉक्स स्लो ठीक है एक सेंटेंस ही टॉक्स स्लोली क्या सीन है गाइज एक और लिख देता हूं ही इज स्लो मेरे को इतना बताओ ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ही इज स्लो इसमें ही स्लो है कि क्या है सर इसमें ही स्लो है अगर इसमें ही स्लो है इट इज डैम क्लियर फ्रॉम दिस फैक्ट कि ही आपका नाउन प्रनाउन है और नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बढ़ाता है सर वो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाता है एडजेक्टिव फेयर इनफ तो जो स्लो है वो आपका एडजेक्टिव है तो सर एडवर्ब कैसे बनता है देखो ही टॉक्स स्लो सर अभी ना वो नहीं स्लो है उसका टॉक करना टॉक करना क्या हुआ वर्ब वर्ब की क्वालिटी कौन बढ़ाता है सर वर्ब की क्वालिटी बढ़ाता है एडवर्ब एडवर्ब होता कैसे है सर एलवाई लगाकर ओके okay, अगर एडवर्ब एलवाई लगाकर बना तो आंसर शुड बी स्लोली फेयर एनआफ ठीक है सर अच्छा जैसे अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि शी बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिखूंगा गाइस शी इज साइलेंट आगे लिखता हूं मैं वेटिंग फॉर यू आप मेरे को यह बताओ सिर्फ अगर हाफ पोर्शन ऊपर वाला शी साइलेंट इसमें शी क्या सर नाउन प्रोनाउन में से प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बढ़ाता है सर प्रोनाउन की क्वालिटी जो है एडजेक्टिव बढ़ाता है है तो क्या क्या हुआ क्या हुआ सर पे ना करना करना की क्वालिटी कौन बढ़ाएगा एडवर्ब बढ़ाएगा एडवर्ब बनता कैसे है वाई लगाकर यानी पूरे सेंटेंस में शी साइलेंटली वेटिंग फॉर यू छोटा सा कंसेप्ट समझ आया आप आ, हाँ जी सर तो मतलब एक और चीज दिस कॉल्ड हैप्पी विच आई एम एग्जैक्टली वाइल टीचिंग यू है ना आप भी खुश होंगे यार क्लास लग रही है आपकी हैपी अ हैप्पी का एडवर्ब पहले एड्जेक्टिव बना सकता है कोई हां जी सर बनाए आराम से ये देखो हैप्पी हैपियर हैप्पीस्ट अच्छा सर डबल पी आपकी मर्जी हैपीएस्ट लगाया अब सर एडवर्ब बनाना है

नाव कंसेप्ट पीपल से किसी का बर्थडे है ठीक है जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू विल मेक दिस क्वारंटीन बर्थडे जो नहीं मना पा रहे हैं लोग इन टू समेक्निकल बर्थडे बर्थडे कम्स आउट टू बी कुछ नहीं नाउन है नाउन की क्वालिटी एड्जेक्टिव बढ़ाता हैप्पी क्या हुआ एडजेक्टिव हो गया हाँ फिर ना सर जो लोग आजकल जैसे वो लोगों के क्रश भी होते हैं ना तो आजकल ना लोगों के पास बहुत हिम्मत आ गई क्योंकि मिलना तो है नहीं किसी से मैसेज ही भेजना भेज दो है ना दे सेड वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू है ना फिर डियर भी लिख देते आगे अब गाइस मेरे को ये बताओ ये जो आपका वर्ड है बर्थडे इसकी क्वालिटी किसने बढ़ाई सर हैप्पी ने फेयर इनफ सर ये जो हैप्पी है इसकी क्वालिटी किसने बढ़ाई वेरी ने कि बहुत खुशी वाला बर्थडे जन्मदिन मुबारक हो आपको यानी कि एडजेक्टिव की क्वालिटी में भी ऐड करने वाला एक तथ्य होता है जिसका नाम अगेन कम्स आउट टू बी एडवर्ब यानी एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की क्वालिटी भी बढ़ाता है ओके okay. अच्छा इसी डीप कंसेप्ट को अगर मैं यूजेज में लेकर जाऊं विच विल यू नेवर गेट इन टू योर लाइफ अच्छा लेट्स पे फोकस द रियल इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस थिंग नाउन है? है उसमें और क्या है? इंपॉर्टेंट सर वो थिंग uh, इंपॉर्टेंट है ना तो इंपॉर्टेंट आपने बोला था क्वालिटी uh, बढ़ाने वाला होगा adjective. ठीक है जी अच्छा अब real, uh, real, uh, adjective की भी quality बढ़ाने वाला होता है एडवर्ब एडवर्ब कैसे बनता है नॉर्मली वाई से तो रियल के साथ एल सर आउट टू बी रियली इंपॉर्टेंट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मी So the answer to this question comes out to be the really important thing to remember is that learning a language requires a lot of practice. See, guys, just three questions with just three questions and got whole good knowledge of adverbs, and that to not the knowledge that you get into the books. You know knowledge here which will take you into the deeper logics of English, and definitely if I am there. Definitely the logics are crystal clear. And I guarantee it out, you're not gonna cram anything out in English. People make you cram, you get all sorts of crank stuff. Pura stuff aapko crammed, milega, aapko books and all those classes. But this time. Aapka pala se pada hai. And I must tell you guys, it is clear logical English with Pyush. As I've cleared it out many times, ki I'm gonna teach the English in a logical way. That's it. Focusing on to the slide here we go to the next one. we should appreciate here that the workers have been working as efficiently in the past. okay, let me clear this out too. so this is the last slide for you and with again the deeper logics. so make sure you are into this and bear with my mistakes. If you technical mistake agree here. बिकॉज यू अंडरस्टैंड लॉकडाउन में आप भी हैं और मैं भी हूं लेकिन द माइंड इज वर्किंग फास्टर क्योंकि टेंशन नहीं है कोई इस टाइम और राइट right? चले वी शुड एप्रिशिएट दैट वर्कर्स हेर हैव बीन वर्किंग एज एफिशेंटली इन द पास्ट यार बड़ा सिंपल सा रूल है अगली बार ना कंफ्यूज नहीं होना एज वाले रूल में देख ना सेंटेंस इज लेट मी जस्ट गेट अ गुड पेन फॉर यू आई एम इंटेलिजेंट ओ ये सेंटेंस नहीं है तो सच्चाई लिखती है प्रोनाउन <laughs> अच्छा, की क्वालिटी कौन बढ़ाता है एडजेक्टिव इंटेलिजेंट क्या हुआ एडजेक्टिव फेयर इनफ अगर मैं ऐसा बोलू कि मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट हूं सर आप फिर बोल दो कि तुम्हारे जितना आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू अच्छा मतलब अगर इंग्लिश में इक्वालिटी शो करनी है तब भी हो जाती है मैं इक्वालिटी वर्ड की यूज कर रहा हूं मैथ्स में करते हो ना क्या आई शो यू इक्वेजन क्वाडिटी करते हो क्वारिटीजन में आता है एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो है ना फिर हम को सॉल्व करते हैं। मान लो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस थ्री इक्वलेंट्स टू अगेन। इसमें ना फिर क्वेश्चन टू वाई ओके हाँ ये भी होता है सर याद आ गया हर बार छोटा बड़ा क्यों बराबर क्यों नहीं मॉडर्न एरा इट इज इक्वालिटी का जमाना है सर ये आपने एग्जाम्पल क्यों लिया इंग्लिश में पोर्ट्रे करूं ये एग्जाम्पल क्वार इक्वेशन वाला इट इज आई एम टॉलर दैन यू ओके अच्छा यहां पे ना जो आई है वो यू से टॉलर है या फिर यू आई से टॉलर हो सकता है बराबर क्यों नहीं बना सकते हां सर बराबर भी तो होते हैं लोग आई एम एज टॉल As you कह रहा है says कहता as और as says equal comparison कि when they दे शो इक्वालिटी यू हैव टू यूज एज एज कंपेयर फेयर enough सर ये बीच में टॉलर नहीं लगा सकते ना रूल क्या कहता है कहता है, एडजेक्टिव की डिग्री नंबर वन लगाओ सर एक क्वेश्चन हाँ जी एडजेक्टिव क्यों यूज किया क्योंकि यहां पर आई की बात हो रही है अभी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बढ़ाता है एडजेक्टिव और डिग्री नंबर वन की यूज करी वो मैं आपको बता चुका हूं सर अगर एडवर्ब हो एडवर्ब भी देख लेते हैं देखना जरा आई बिहेव एज शार्प एज यू दिस क्वेश्चन से आई बिहेव एज शार्प एज यू सर आपने बोला था डिग्री नंबर वन हमने लगा दी फेयर इनफ डिग्री नंबर वन किसकी एडजेक्टिव की जी एडजेक्टिव की लगाई पर सर यहाँ पे आई की बात हो रही है कि की 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 ओहो behave की बात behave क्या है है मुझे अभी याद सर आपने बताया था क्वालिटी कौन बढ़ाता है verb की quality बढ़ाता है एडवर्ब अगर गाइज वर्ब की क्वालिटी अटेंशन ओवर की क्वालिटी एडवर्ब बढ़ाता है तो इट इज क्रिस्टल क्लियर जैसे ये है आई एम एज शार्प

ये तो बड़ा सिंपल है एज लगाना दूसरा एज मिसिंग है एक चीज प्रूव करोगे अगर आपने डीप पढ़ी लिया तो क्वेश्चन माए सर एफिशिएंटली लिखा है बिल्कुल लिखा है क्या ये एफिशिएंट भी हो सकता है बोझो तो जाने इट सेज वी शुड एप्रिशिएट दैट द वर्कर्स हेयर हैव बीन वर्किंग एज एफिशिएंटली एज इन द पास्ट अच्छा एज एज तो लगा दिया आपने फेयर एंड ऑफ तो ढूंढ लिया है गोइंग इन टू डीपर लॉजिक्स ऑफ इंग्लिश गाइज

राइट द नेक्स्ट वन सेज ही रिटर्न क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड ही रिटर्न क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड देख लेते हैं ये भी द सेंटेंस सेज ही रिटर्न क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड ही रिटर्न क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड सर इसमें मेरे को यह बताओ ही क्विकर है कि उसका रिटर्न करना ही uh, नहीं है सर रिटर्न करना अगर गाइज ऐसा होता ही इज तो आंसर आता ही इज क्विक अब क्या है ही रिटर्न रिटर्न की बात हो रही इट शुड बी क्विकली आपने बोला था वर्ब की क्वालिटी डिव तो क्विकली लगाऊंगा क्विकली क्यों लगाया क्विकरली क्यों नहीं लगाया सर आपने नहीं तो बोला था वो एडजेक्टिव की जो डिग्री नंबर वन होगी ना डिग्री नंबर उसके साथ एल वाई लगाना है अच्छा यू गॉट गुड पावर मेमोरी पावर फेयर इनफ अच्छा तो फिर यहां पे क्या करूं क्विकली कर दूं पर सर ये दहन भी तो है कंपैरिजन भी तो हो रहा है तो बस जहां पर कंपैरिजन लगे वहां पर मोर लगा दो एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन टू दिस बैच ज्वाइन ज्ञानम एनरोल योर सेल्फ इन टू दिस बैच लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखें राइट फेयर एनफ चले तो इट शुड बी ही रिटर्न इट शुड बी सिंपल सा मोर क्विकली दैन आई एक्सपेक्टेड शी इज इधर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट इफ नॉट बोथ या तो वो इंटेलिजेंट है या ऑनेस्ट है अच्छा ए, एक बार ना इसको ना क्लीन प्लेटफॉर्म पे करते हैं शी एज ईदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट इफ नॉट बोथ क्या पता लगा या तो वो इंटेलिजेंट है या ऑनेस्ट है अगर दोनों नहीं है पर सर यहां से ये क्लियर होता है कि वो एक तो जरूर है इंटेलिजेंट और ऑनेट वो दो तो नहीं हो सकती ना, जो दो होती तो लगाता वो फेर तो बट के हिसाब से स्टूडेंट ने मेहनत तो बहुत की थी बट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ क्यों द क्वेश्चन लाइज देट गेट द प्रॉपर गाइडेंस आई रिपीट गाइज ज्ञानम इज स्टार्टिंग एंड Online batch. Gyanam is starting an online batch from 20th May. You will get online stuff the ebooks, the PDFs, the tests, you'll get everything online. Once the lockdown is over, you can resume your classes in offline mode. Same stuff same passion same aim make sure you consider it so hopefully you got this class of mine and uh, for the best results definitely tune to Gyan